बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके उच्चारण की विधि क्या है? सबसे पहले उस बीज मंत्र के साथ में जितने भी हमारे अक्षर हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों की जबरदस्त दूसरों के दिल तक पहुंचाने की क्षमता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आई लव यू, मैं तुझे प्रेम करता हूं, शब्द सामान्य है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उस शब्द ने सामने वाले व्यक्ति के दिल तक क्या कर दिया है, दिल तक क्या कर दिया है, उसको छू लिया है, उसको उसको उसके भीतर में आपने अपने प्रति एक आत्मीयता जगा दी। और जब हम कहते हैं आई लव यू, तो सब व्यक्ति भी आपसे कहते हैं तो उसके साथ में ये आपके मन को भी ये मंत्र है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ये मंत्र है। लेकिन क्या है, आपने क्या भेजा है, एक ध्वनि है, एक तरंग है, एक शब्द है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं करता, उपेक्षा की दृष्टि से देख लेता है, देखता है, तो उसके मन को क्या होता है, चुप जाती है। हमारी एक दृष्टि तक उस व्यक्ति को चीख चीख कर पुकार देती है, वो तो जाने दीजिए, नहीं देखा, आपने तो नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो मेहमान आया कुछ नहीं कहा, पर आपके भीतर की उपेक्षा, उसके जो तरंगे उसको कितनी शक्तिशाली है। आप एक सिंपल आपने नहीं देखा, आपने देखा, आप बोले, आपने किसी को हाथ पकड़ के आपने नाक के बैठा दिया, छोटी सी क्रिया है। इन छोटी सी क्रियाओं से भी हम दूसरे व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं हमारे भीतर में उसकी पकड़ या दुनिया और शब्दों की ताकत है। मतलब शब्दों की शक्ति अमाप है, अमाप है, अमाप है। हजारों वर्ष हो चुके हैं, जब देवो देव सिंह तुम अगर अच्छे हो, तुमने अर्पित किया चला दिया, तो तुम्हारे एक दिए से कितने दिए जलेंगे, उस दिए से सैकड़ों दिए, सैकड़ों दिए से सैकड़ों दिए, लाखों लाख दिए तुम्हारे एक दिए से जल सकते हैं। क्या वो शक्ति की शक्ति है कि हजारों वर्षों के बाद उन शब्दों को हम क्या करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की तरह, किसी कहने की तरह, किसी कीमती खजाने की तरह, किसी कुबेर के भंडार के समक्ष भी यह भंडार, ये ज्ञान भंडार, अप्रतिम भंडार है कि इस भंडार में कुबेर जैसे खजाने पैदा करने की अमानव शक्ति है। इसलिए ये शब्द बेहद 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 शक्तिशाली होते हैं। और ये शब्द कौन बोलता है, कौन बोलता है, वह उसका जो प्रयोग करता है, जो व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी भावना, उसकी शक्ति, उसके पीछे उसका समर्पण, उसके आधार पर डिपेंड करता है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र भी इसी प्रकार के लोगों ने साधना की है, उनके भीतर से एक ध्वनि पैदा होती है, जो सच ध्वनि पैदा होती है, जैसे ओम है, तो ये नाभि में से, हृदय में से, गले में से, मस्तिष्क में से एक ध्वनि पैदा होती है। तो धने अंतरंग ध्वनि
वो अंतर्गत ध्वनि उसकी बाह्य कोई ये नहीं है, लेकिन एक अंतरंग उसके भाव के साथ में निकली हुई ध्वनि ओम के रूप में, फिर हमने उसके अर्थ निकालने की कोशिश करी। अरिहंत है, अशरी सिद्ध है और आचार्य के आँखों करके उपाध्याय का ओम है, मुनि का मां है, ये तो हम अर्थ निकालते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से तत्व की दृष्टि से फिर देखते हैं जब उस साधना करते हैं तो एक अनंतनाथ उनके भीतर से प्रकट होता है। उस अनंतनाथ की वो भी दृष्टि जब हम भी ओम कहते हैं तो हमारे सामने बैठे प्रकाश हमारे सामने बैठे ताकत एक आती है। जब प्रेम करते हैं तो ये जो हमारा हास्ते है तंत्र है जो से अज्ञान चक्र के बाद जो दूसरा दूसरे वहाँ पे एक सोया हुआ है हृदय सोया हुआ ऋण ऋण तो ये जो हमारे जो तंत्र है वो जो उसमें एक ध्वनि पैदा करके उसे हम जागृत करना चाहते हैं जिससे हमारी श्रद्धा मजबूत हो। तो ये मंत्र है, श्री है, अयम है, ये सब मंत्र आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है और इस शक्ति को एक तरह से जागृत करने का एक प्रयास है। इसको बहुत ज्यादा देखते हम साथ में, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं शब्दों में बेशुमार ताकत है। शब्द ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक दूसरे तक हम संपर्क कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा माध्यम हमारी भाषा है। भाषा फैला के परमाणु वे बहुत ही परेशानी है, जैसे औदार्य परिणाम, विक्री परिणाम, आहार परिणाम, तेजस वर्गना, कामन वर्गना, मनो वर्गना, भाषा वर्गना, अश्वास वर्गना या आज जितने भी परमाणु हैं इस आकाश प्रदेश में उनको आठ भागों में बांटा गया है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे हम श्वास लेते हैं, जिससे हमारी भाषा बनती है, जिससे हमारा मन बनता है। ये सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल से नहीं बना, सब अलग अलग पार्टिकल से, हमारे कर्म अलग पार्टिकल से बनते हैं, हमारा तन अलग पार्टिकल से बनता है। तो इस तरह से इन आठ वर्णनाओं में हमारा विभाजन है, जिसमें भाषा वर्णना और मनोवर्णना ये दोनों जुड़ जाते हैं, उसकी ताकत ज्यादा बनती है।